अब खबर थाना बह के बटेश्वर पशु मेले से है, जहां पर जहर खुनानी गैंग के लोग सक्रिय हो गए। बता दें कि इस गैंग के लोगों ने मुरैना से आए पशु खरीदने के लिए व्यापारी उनको अपना शिकार बनाया, नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और उनसे 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बेहोशी की अवस्था में पड़े मिले व्यापारी, मेला व्यापारियों ने अब इस वारदात के बाद सुरक्षा की मांग की है। लेकिन बता दें कि पहले भी ये व्यापारी सुरक्षा की मांग कर चुके थे और चौकी स्थापित करने की उनके द्वारा मांग की गई थी। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पशु मेले में जहर खुरानी के लोग सक्रिय हो गए, जिन लोगों ने 3 व्यापारियों को इस अपनी जो शिकार है उसका बना लिया है और बेहोश करके 2 लाख रुपए लूट लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नीरज, ये जो वारदात इस बार सामने आई है, तो किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और जो व्यापारी हैं उनकी फिलहाल क्या हालत है? देखिए अंजलि, जिस प्रकार से जो उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध तीर्थ जो बटेश्वर का जो पशु और जो लोक मेले का आयोजन हर वर्ष जो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें प्रशासन की भी खामियां देखने को मिलती है। वही एक मामला उसी में से एक जो प्रकाश में आया, जो कल ही मेले का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन से पहले ये वारदात जो सामने आई है, पशु व्यापारी जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन्हीं में से 3 जो व्यापारी थे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वो जिसमें से एक पिता पुत्र और उसके बाद एक व्यापारी और है, उनसे 2 लाख रुपए की जो है लूट जो है नशीला पदार्थ खिलाकर की गई है। ये बड़ी वारदात जो सामने आई है उससे जो अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया जी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस ने तत्काल ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उसके बाद उन्हें वहां से आगरा भी रेफर किया गया और जब होश में आने पर उन्होंने ये पूरी बात जो है अपने साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताया है। वही पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है। जी नीरज, क्या इस मामले में पहले भी इस मेला व्यापारियों द्वारा क्या सुरक्षा की मांग की गई थी और मेला उद्घाटन के बाद चौकियां स्थापित नहीं की गई थी, क्या सूचना इसको लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के जो प्रचार प्रसार की भी कमी है, जो जिला पंचायत द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाना कि चाहिए कि जिस तारीख से जो मेला का उद्घाटन होना है उसके बाद ही पशु व्यापारी अपने पशुओं को लेकर पहुंचे और उसके बाद जो है उनकी सुरक्षा की जो इंतजाम है वो पूरे किए जाते हैं। मगर जो है मेला उद्घाटन से पहले ही पशु व्यापारी भारी संख्या में, चाहे वो ऊंट व्यापारी हो या खच्चर व्यापारी हो या फिर घोड़ा व्यापारी हो, जो खरीद फरोख्त के लिए पहुंच गए थे और उसके बाद ये जो जिन व्यापारियों के साथ जो जहर खुरानी की घटना का जो सामने आई है वो एक बड़ी घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है लाखों रुपए लेकर अपने साथ आते हैं और अपने जो पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। अगर ऐसे में अगर उनके साथ ये वारदात जो सामने आ रही है तो ये पूरी तरह से प्रशासन या जिला पंचायत की अगर देखी जाए तो ये लापरवाही भी सामने देखी जा सकती है कि उन्हें सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से करने चाहिए। हालांकि आज भी इतनी कल जो वारदात हुई और वारदात के बाद उद्घाटन भी हुआ है, मगर उसके बाद आज से जो पुलिस चौकियां अभी तक फिलहाल नहीं बनाई गई हैं। जी नीरज, क्या इस मामले में जिस तरीके से व्यापारियों द्वारा सुरक्षा की मांग की जा रही है प्रशासन से, तो प्रशासन इस पर क्या कह रहा है, क्या उसकी प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो मेला को जो मेला जो लगाया जाता है उसका एक कोतवाल भी अलग होता है और कई जो चौकियां जो है मेला पर क्षेत्र में बनाई जाती है उन पर कई थानों से या पुलिस लाइन से जहां भी जिस तरीके से पुलिस फोर्स बुलाया जाता है उनकी तैनाती की जाती है, लगातार गश्त भी किया जाता है। मगर अब जो मेला उद्घाटन हुआ है उसके बाद ही जो पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, उसके बाद जो है अब व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात होगी और अन्य व्यवस्थाओं की भी तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। मगर ये जो वारदात जो पहले आई है उस पर पुलिस की अगर किसी की बात की जाए तो देखा जाए सीधा सीधा व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, उसकी वजह से ये वारदात भी सामने आई है और जहर खुरानी गैंग जैसे लोग जो है व्यापारियों के बीच सक्रिय हैं। जी नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि पशु मेले में जहर खुरानी गैंग के लोग सक्रिय हो गए। बता दें कि यहाँ पर मुरैना से पशु खरीदने के लिए पहुंचे थे 3 व्यापारी, जिनको अपना शिकार इस गैंग द्वारा बनाया गया और बेहोश करके 2 लाख रुपए उनसे लूट लिए गए। बता दें कि इस वारदात के बाद व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग उठाई है और यह पूरा मामला थाना बह के बटेश्वर के पशु मेले का बताया जा रहा है।